का, ये मैं क्या कह रहे हैं, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन वर एसिडिफाई इन ट्रीट विद एक्सेस KI, ठीक है। हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का 25 ml दे दिया है, ठीक है, और एक्सेस KI के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ये KI है, I माइनस, ठीक है। द लिबरेटेड आयोडीन वॉज ट्रीटेड विद, ये जो आयोडीन मिला है यहाँ से, इसको हम ट्रीट करते हैं 24.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.102 mol per liter Na2S2O3, ठीक है, हावे सल्फेट के साथ। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। तो देखो इसका दिया हुआ है H2O3 2 माइनस का दिया हुआ है 24.4 ml और 0.102 mol per liter कंसेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। वहां से जितना आयोडीन निकला उस आयोडीन को हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट Na2S2O3 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, ये एक रेडोक्स रिएक्शन है, ठीक है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो है, ठीक है, वही क्या है, Cr2O7 2 माइनस के इक्विवेलेंट्स के बराबर है, हाँ या ना, इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, देखो यहां I2 का जो n फैक्टर है कितना है, 0 से -1 में जा रहा है, कितना है 2 है, 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी I2 माइनस का n फैक्टर 2 ही है क्योंकि 0 से -1 में है, ठीक है। तो चेंज कितने का है, 1 का × 2, इनके n फैक्टर सेम है इसीलिए हमने ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दिए, नहीं तो हम क्या करते, इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम करते, इसके और इसके I2 के मोल निकालते, ठीक है, वो उतने मोल आते I2 के, फिर यहां से I2 का n फैक्टर निकालते, क्योंकि दोनों का n फैक्टर सेम है यहाँ पे, इस वाली रिएक्शन में I2 का, इस वाली रिएक्शन में I2 का n फैक्टर सेम है, तो इसीलिए हमने क्या किया, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ मिलेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स वहां से आए होंगे, सेम ही तो ग्राम इक्विवेलेंट्स है, और वो किसके बराबर होंगे, Cr2O7 2 माइनस के, ठीक है। अगर n फैक्टर अलग होता तो पहले उधर I2 माइनस के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते और फिर Cr2O7 2 माइनस के साथ इक्वेट करते, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, H2O3 2 माइनस के मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी है 24.4 ml, मोलैरिटी कितनी है 0.102, ठीक है। अब इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये क्या है +2 में और यहाँ कितना है +2.5 में, चेंज कितने का आया, चेंज आया 0.5 का × 2, एन फैक्टर क्या है 1, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस का निकाल लेते हैं, 25 ml वॉल्यूम है, मोलैरिटी मैंने m ले ली, ठीक है, निकालना क्या था हमें, मोलैरिटी निकालनी थी इसकी, इनटू इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ ये +6 से +3 में जा रहा है, चेंज कितने का आया 3 का × 2 यानी 6, n फैक्टर कितना है इसका 6 है, ठीक है। हाँ तो अब जब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इस वाली कैलकुलेशन का, मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 0.01657 आएगी, इसको हम 0.0166 लिख सकते हैं, अपना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।